नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच हुए लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरे टेस्ट में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई है। जिस तरह का प्रदर्शन भारत ने किया वो लाजवाब था। भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर न केवल इतिहास रचा बल्कि इस सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ खुद को इस सीरीज को जिताने का प्रबल दावेदार भी बना लिया है। मगर अब इस मैच को लेकर कई लोगों का मानना है कि रोहित अगर शतक लगाते तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे थे। अब इस बात का जवाब देते हुए भारत के पूर्व और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि लॉर्ड्स में शतक लगाना ही सब कुछ नहीं होता। रोहित ने 83 रनों की पारी खेली जिसने टीम को मजबूती प्रदान करी। आपको बता दें कि इस मैच में एशिया से बाहर खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में जनवरी 2011 के बाद ये पहली ओपनिंग साझेदारी है जो 100 रन जोड़ने में सफल रही। सुनील गावस्कर का मानना है अपने शतक से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टीम के लिए क्या योगदान रहा है। सुनील गावस्कर की माने तो 5 दिनों के टेस्ट मैच में किसी को ये नहीं पता होता कि पहले दिन पिच का मिजाज कैसा रहेगा, पिच पर बाउंस रहेगा या फिर स्विंग होगा, कुछ पता नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए होता है और पहली पारी में रोहित शर्मा ने अपने आप को जिस तरह से एडजस्ट किया उससे पता चलता है कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। उन्हें पता था कि किस गेंद को छोड़े और किसे नहीं। मानसिक तौर पर रोहित शर्मा तैयार थे जो मैच में दिखाई दिया। अगर रोहित पूरे सीरीज़ में इसी तरह से 80-80 करके रन्स बनाते रहे तो वो 400-500 रनों के साथ इस सीरीज़ को समाप्त करेंगे। अब देखना होगा कि क्या तीसरे टेस्ट में भी रोहित शर्मा अपनी इसी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।